पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 25वां वचन। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है, जो तुम्हें सुताया गया है। हाँ, और कहीं पढ़िए। परंतु हाँ, प्रभु का वचन हाँ, युगानुयुग स्थिर रहता है। उसका पहला वाला वचन पढ़िए, ऊपर का। हाँ, उसका ऊपर वाला वचन, क्योंकि हाँ, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभाएं घास के फूल के समान है। क्या लिखा है? हर एक प्राणी क्या है? घास के समान है। और इन प्राणी का जो शोभा है ये कैसा है? घास के फूल के समान है। घास सूख जाता है और फूल झड़ जाता है। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद दिया हुआ इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। कलीसिया को और प्रभु आप शुद्ध करना चाहते हैं मेरे जीवित परमेश्वर, आज दिया हुआ इस संदेश के द्वारा। यहाँ पर बैठे हुए हम एक एक का आत्मिक मलिनता है प्रभु दूर होने के लिए सहायता कर, भीतर से प्रभु जी हमें शुद्ध कर। यीशु, आपने सिखाते समय ये भी कहा, बर्तन को भीतर से मांजो तब बाहर से भी वो शुद्ध हो जाएगा। प्यारा प्रभु सहायता कर, ये वचन हमारे जीवनों में कार्य करने दे। हालेलुया। समझ कर ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा हम एक एक की सहायता कर, हमारी समझने वाली भाषा में हम एक एक के साथ बातें कर। प्रभु वचन बोया जाते समय प्रभु 100 गुना प्रतिफल का हम अपेक्षा करते हैं। प्रभु सहायता कर, आप हमारे द्वारा बातें कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता। आमीन। फिर एक बार हम पढ़ेंगे 24 और 25 दोनों पढ़िए। हाँ, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। क्या लिखा है? हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभाएं घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। ये वचन को हम पढ़ते समय में दो भाग में इस वचन को हम बांट सकते हैं। पहले दिया है प्राणी और उसकी शोभा, ये पहला भाग। दूसरा है वचन। ये वचन को दो टुकड़े में करेंगे, कैसे? प्राणी और उसकी शोभा, और दूसरा भाग है परमेश्वर का वचन। ये दोनों को तुलना करके यहां पर कहते समय कहा है प्राणी और उसकी शोभा, ये तो दिन ब दिन क्या होती जाएगी, ढलते जाएगी, खत्म होते जाएगी। एक दिन कायम के लिए क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये दिन नहीं आए बोलकर ही आदम ने अपना हाथ जीवन के वृक्ष की ओर क्या किया था? क्या बोलकर? मुझे मरना नहीं है। आदम के अंदर एक डर आ गया था। परमेश्वर ने बोला तू मिट्टी से निकाला गया, मिट्टी में क्या करेगा? मिल जाएगा करके बोलते समय आदम की तभी उस तारीख से लेकर क्या हो गया? उल्टी गिनती। क्या हो गया? उल्टी गिनती। सीधा गिनती नहीं, उल्टी गिनती। हम लोग गिनती करते समय कैसे बोलते? मेरा बेटा 6 साल का हो गया, मेरी बेटी 12 साल की होगी, अगला साल 13 साल का हो जाएगा। नहीं, गिनती क्या है? उल्टी है। हम लोग आगे असेंडिंग ऑर्डर या आरोह रीति से गिनने के कारण हम क्या मना लेते हैं बर्थडे, कि मेरा बेटा क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। बड़ा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे धीरे
कदम किसकी ओर जा रहा है? अच्छे से बोलो, जोर से, कब्र की ओर। अभी हैप्पी बर्थडे मना, किधर जा रहा है? कब्र की ओर। आप हैप्पी बर्थडे, जो जो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं या मनाने की कोशिश करेंगे, आप इस वचन को उस दिन खड़ा रहकर जब आप ताली बजाओगे क्या करना, ताली बजाओ क्या बोलकर, अच्छा होगा तो किधर जा रहा है? सब लोग क्या खुशी मनाएंगे, मेरा बेटा बड़ा हो गया। आप किस बात से खुशी मनाएंगे? अगर ऐसा करना है आप क्या कर सकते हैं? नहीं, कुछ लोग पूछते बर्थडे के घर में जा सकते कि जाने में कोई तकलीफ है तो थोड़ी कोई मूर्ति है, कुछ है कुछ नहीं, आप बिंदास क्या करो, जाओ क्या करो, नहीं ताली बजाओ क्या बोलकर, दो आशीर्वाद देकर। नहीं समझ में आपको, एक कदम मैं किधर बढ़ गया, खबर की ओर क्या कर रहा हूं, बढ़ रहा हूं। ये दिन नहीं आए क्योंकि सब प्राणी किसके समान है, घास के समान है। तू शायद कितने शाना भी हो, है ना, एक एक पदवी के लिए लोग अर्धा जिंदगी क्या कर जाते, बिता देते हैं, फिर जाकर एक पोस्ट मिलता है, कुछ ही साल उसमें रहते हैं, क्या हो जाता है, मर जाते हैं। मरने के बाद उन्होंने जो मेहनत करके जो पढ़ाई की थी ना, वो कैसे निकाल कर उसके बेटे के अंदर रख सकता है? सोच कर देखो, एक एक ऑफिसर लोग बड़े बड़े, हम लोग को मालूम, हम लोग खाली ये 10वीं 12वीं और 15वीं इतना ही मालूम है, मेरी नजर से, मेरे लिए मैं बोल रहा हूं, मुझे तो इतना ही मालूम था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि इसके अलावा भी कितने अधिकारी पोस्ट है जिसके लिए लोग 40 उम्र तक 45 उम्र तक क्या करते हैं, पढ़ते हैं, काम भी करते हैं, पढ़ते हैं, घर की जिम्मेदारी सब क्यों करते हैं, कि कैसा भी उस मुकाम में क्या करना है, मुझे पहुंचना है, मुझे वो ऑफिसर बनना ही बनना है, लेकिन कुछ ही साल काम करेंगे किसी ना किसी वजह से, या समझो नेचुरल डेथ ही क्या हो गया, हो गया तो भी भाई साहब ने ये जो 25 साल 40 साल जो पढ़ाई किया था ना, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये किसी को दे सकता है, जमा करके रख सकता है, नहीं कर सकता। क्या है ये? व्यर्थ है। सब प्राणी क्या है? घास के समान है। घास क्या करती है? थोड़े समय क्या करती है? पनपनाती है। घास के बारे में लिखा है, क्या करती है? पनपनाती है। देखने में बहुत सुंदर लगता है, बड़े बड़े कंपनियों में चाहे कुछ हो ना हो क्या लगाए रखते हैं, घास लगाते, क्यों? सुंदर लगते हैं। लेकिन यही घास क्या होता है? सूख जाता है। और इस घास में भी क्या निकलती है? फूल निकलती है, वो भी दिखने में क्या लगता है? सुंदर लगता है, लेकिन ये फूल क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं, जिस उसका स्थान से वो क्या कर जाता है? निकल जाता है। लेकिन वचन के विषय में लिखा है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, वचन पढ़िए और एक बार पढ़िए उतना लाइन को, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। कितने दिन के लिए? युगान युग के लिए क्या रहता है? स्थिर रहता है। हमें ऐसा एक भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए, हमें एक भरोसेमंद चीज चाहिए, या ऐसा कोई चीज चाहिए जो कायम के लिए क्या करे, टिके। वो क्या चीज है संसार में, ऐसा कौन सा चीज है जो कायम के लिए रहता है? परमेश्वर का वचन। इसके अलावा कुछ भी संसार में कायम का नहीं है, कायम का नहीं है। तो ये वचन, परमेश्वर का वचन कभी तक रहेगा? युगान युग तक क्या करेगा? रहेगा। तो इस संसार में कायम के लिए रहने वाला कौन सा चीज है? परमेश्वर का वचन। ये वचन को प्रभु ने आज हमारे लिए क्यों दिया है? इस बात को प्रभु हमें याद दिलाता है, बाइबल को हम पढ़ते समय में पुराने नियम में जितने भी संत होकर गए, जितने भी संत होकर गए, उसको अगर हम बैठ कर ध्यान से देखेंगे, ये सब क्या पकड़े हुए थे मालूम है? ये सब क्या पकड़े हुए थे? इनके हाथ में बल बोल कर क्या था मालूम है? परमेश्वर का वचन। दूसरा कुछ भी इनके पास नहीं था। समझ में आ रहा आप सबको? पुराने नियम के जितने भी संत लोग हैं, उनका बेस, उनका विश्वास का बेस, उनका परिस्थितियों के बीच में चलने के समय में उनका जो वो दृढ़ता, ये सब किसके ऊपर निर्भर था?
वचन के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर। आपको समझ में आ रहा है? कुछ उदाहरणों को हम लोग देखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पहला राजा 17:7-8। कुछ दिनों बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहा। बस इधर क्या लिखा है, क्या हुआ जब नाला सूख गया, तभी क्या हुआ? यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। इसका मतलब एलिया, एक कौन है व्यक्ति? एलिया। इनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, एलिया जिसने बारिश को 3.5 साल तक क्या करके रखा था? रोक कर रखा था। बोला था मेरे कहने के अलावा क्या नहीं गिरेगा, बारिश भी नहीं होगा, ओस भी नहीं पड़ेगी। ये व्यक्ति के जीवन का बेस क्या है, इसको परमेश्वर ने बोला था करीत नाम के नाले में जाकर क्या कर, बैठ जा, कौवे रोज तुझे क्या लाएंगे, सुबह शाम क्या लाएंगे, भोजन ले आएगा, और पानी के लिए क्या करेगा तू, उस नाले में से क्या कर लेना, पी लेना। तो तब पानी चल रही थी, कुछ दिनों बाद वो पानी क्या हो गया, सूख गया। उस जगह पे आप और मैं रहता तो क्या करते थे, नदी के ऊपर भरोसे में थे, नदी क्या हो गया, सूख गया। देखो संत ना बनिए, हमारी लैंग्वेज में बोलो टेंशन नहीं, पानी सूख गया, क्या करेंगे हम लोग? हम लोग क्या करेंगे, एक तो बाजू में कुआं खोदेंगे। आज का टेक्नोलॉजी के अनुसार सीधा क्या डालेंगे, बोर, है ना, बोर डालेंगे, या तो उस जगह से कूच करके दूसरी जगह पे चल, यही सत्य है ना, यही काम कौन करना चाहिए? क्यों, एलिया के बारे में भी क्या लिखा, वो भी हमारे जैसा दुख सुख भोगने वाला इंसान। इसका मतलब ये कोई रॉबर्ट नहीं है या एलियन नहीं है, हमारी जैसा दुख सुख भोगने वाला इंसान। ये इंसान के जीवन में भी जब पानी नहीं है करके समस्या आया, ये क्या कर रहा था बोलिए ना, क्या कर रहा था, वचन का इंतजार कर रहा था। इसका मतलब परमेश्वर कब बात करेगा, इसका क्या कर रहा था, बाट जो रहा था, कब मुझे उसका क्या मिलेगा, वचन मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको, बाट जोने का मतलब इंतजार कर रहा था कि प्रभु अगला क्या, प्रभु अगला क्या करके ये चुपचाप किधर बैठा है, ये सुखी नाले के पास। तब परमेश्वर का वचन इसके पास आया, बोला किधर जा, सरपत के पास जा। तब उठकर ये क्या किया, गया। ये है एलिया का। और एक व्यक्ति का हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 46:1-3 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 46:1-3। तब इसराइल अपना सब कुछ लेकर बेर्शेबा को गया और वहां अपने पिता इसाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। बेर्शेबा को गया, उधर जाकर बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इसराइल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब। उसने कहा क्या आ गया। उसने कहा मैं परमेश्वर हूँ तेरा पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर। इसका मतलब ये बलिदान क्या उद्देश्य चढ़ाया था, इसके पहले वचन हम पढ़ते समय किधर भी याकूब ये नहीं पूछ रहे क्या प्रभु मैं जाऊं, ऐसा नहीं पूछ रहे। वो क्या कर रहा, खाली बलि चढ़ा रहा। बलि चढ़ाने का मतलब क्या है, उसके मन का अंदर का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से वो बलि चढ़ा रहा है, प्रभु से पूछने के लिए कि क्या मैं मिस्र को जा सकता हूं। ये कब की बात है, जब यूसुफ मिल गया है ना, जब याकूब को खबर आया कि यूसुफ अभी भी जिंदा है,
कितने साल बाद खोया हुआ एक बेटा जब मिल रहा है, मैं और आप रहता तो तुरंत प्लेन का टिकट 18,000 में भी क्या कर लेंगे, ले लेंगे, जहां पर 2,000 में क्या कर सकते थे। सच्चे गलत है, सालों बाद खोया हुआ एक व्यक्ति मिला, बोलेगा तो मेरी पैर जमीन में नहीं, कब जाकर उसको क्या करो, मिलो, क्योंकि याकूब का सबसे लाडला बेटा, जिसके लिए उसने बोला था मैं रोते रोते किधर जाऊंगा, अधोलोक में उतर जाऊंगा, है ये व्यक्ति जब मिल गया करके खबर आया, याकूब क्या करना चाहिए, फूर्ती से उधर क्या करना चाहिए था, दौड़कर जाना चाहिए था, लेकिन याकूब क्या कर रहा है, किधर चला गया, किधर चला गया, चर्च में चला गया, किधर चला गया, बलि चढ़ाने के लिए बेर्शेबा में चला गया। घर के लोग बोलेंगे कहाँ है मानुष है यो, हाँ जाना किधर है, ये किधर जा रहा है, नहीं समझ में आया। इस कंडीशन में फैसला क्या होनी चाहिए, तुरंत किसी को फोन नहीं कुछ नहीं, उधर पहुंचने के बाद बोलेंगे कि मैं यहाँ क्या हो गया, ऐसा सा था मैं पहुंच गया, अर्जेंट था इसलिए मैं आपको क्या नहीं कर पाया, होता है नहीं होता है ना, ऐसा ही होता है। तो यहां पर याकूब भी ऐसा कर सकता था, लेकिन याकूब ने क्या किया, पहला स्थान किसको, क्या बोलकर पहला स्थान दे रहा है, एक हां या ना, इतने में क्या दे, जवाब दे, वचन दे, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, कितना मांग रहा है, लंबी चौड़ी नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जाऊं या ना जाऊं। तब ये बोलकर बलि चढ़ाया, परमेश्वर ने उसको जवाब दिया, हां मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरा पिता का परमेश्वर हूं, तू बिना हिचकिचाए किधर जा सकता है, जा सकता है। ये बोलते ही भाई साहब पूरा परिवार को लेकर किधर चला गया, ये बात हम लोग बार बार पढ़े हैं। मैं क्यों इस बात को बोलना चाह रहा हूं, याकूब किससे पूछ रहा है, मतलब कुछ फैसला लेने से पहले पहले किसका राय ले रहा है, परमेश्वर का राय ले रहा है, करूं या ना करूं। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती 8:5-8 में, एक सुबेदार था, सुबेदार यीशु से कहता है आप मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, सिर्फ क्या करो, उतना लाइन पढ़िए। सुबेदार ने उत्तर दिया, मुंडी आगे पीछे क्यों जा रहे तुम लोग, हाँ। सुबेदार ने उत्तर दिया, सुबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं, इस नहीं वो सब मैं बोल दिया उसके आगे का, हाँ। कि तू मेरी छत तले आए, ठीक है, परंतु केवल मुख से कह दे, मुख से कह दे, कह दे को हम लोग इंग्लिश में खाली उतना वर्ड को पढ़िए, आठवां अध्याय, But speak the word only. Speak the word बोलते समय ये शब्द sentence नहीं बोल रहा है, speak the sentence थोड़ा लंबा चौड़ा मेरे से बात करो, नहीं क्या बोल रहा है, एक शब्द, मतलब हाँ संत लोग भी प्रभु से कितना ही चाहते हैं, एक शब्द, जा। याकूब को क्या बोला, जा। एलिया को क्या बोला, जा, जा। परमेश्वर कितना बात करता है, ये एक शब्द के लिए कुर्बानी कितना देना पड़ता है मालूम है आपको, हम बोलते हैं हम, मैं प्रभु से पूछा था, मुझे उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, तो फिर मैं क्या कर, कितना दिन इंतजार करूं, मैं भी क्या कर दिया, चला गया। ऐसा बैठे बैठे तुम ये वो नहीं के ज्योतिषी बाबा, ऐसा नहीं है कि प्रभु बोली जाऊं, ऐसा नहीं है, इसके पीछे कितना मेहनत है, आज हम वही क्या करेंगे,
देखेंगे। हर एक कलीसिया का विश्वासी आज के बाद ऐसा क्या करना है, बनना है। मसीह लोग से परमेश्वर क्या अपेक्षा करता है कि मेरे लोग मुझसे क्या करो, है ना? वचन में लिखा है आने वाली बातों को मुझसे क्या करो, पूछो, मैं तुम्हें क्या करके दूंगा, बता कर दूंगा। तो कलीसिया का एक एक विश्वासी का जिम्मेदारी, अगला जिम्मेदारी क्या है, कितने के लिए खड़ा रहना, एक शब्द के, एक शब्द के लिए। प्रभु जाओ, सुबेदार बोलते हैं ज्यादा नहीं प्रभु, लंबा प्रेयर का जरूरत नहीं, एक शब्द खाली आप बोल दो, मेरा नौकर क्या हो जाएगा। इसराइल में मैंने ऐसा क्यों ऐसा बोला मालूम है, वो वर्ड का कीमत किसने समझा, सुबेदार ने समझा। सुबेदार कौन है, रोमी सिपाही, दिनेश भाई, रोमी सिपाही, जो रोमी सिपाही इसराइलियों को ऊपर क्या है, उनको नियुक्त किया है, कभी कभी कुछ सजा देना तो बुरी तरह से क्या करता है, मारता। इसलिए बोलते प्रभु मैं इस योग्य का नहीं है कि मैं इसराइली तेरे लोगों को तो मैं क्या करता हूं, सताता हूं, लेकिन मुझे तेरे शब्द का कीमत। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोलता है एक शब्द खाली बोल, इंग्लिश में सही दिया, स्पीक द वर्ड, एक शब्द खाली क्या कर, बोल। तो कलीसिया का हर एक विश्वासी का अभी क्या जिम्मेदारी है, कुछ भी करें प्रभु से क्या करें, पूछे। आप बोलेंगे कैसे पूछे, क्या करें, हम लोगों सब अभी देखेंगे। ये व्यक्ति जो पूछ पूछ कर चले थे, इनका अंत कैसा था, सुंदर था। बीच में कठिनाइयां, बहुत परेशानियों को, नाला सूख गई, नेक्स्ट टाइम 2 बजे मुझे खाना खाकर क्या पीना है, नहीं है। उस हालत में भी किसका इंतजार कर रहा, मैं प्रभु से क्या प्रार्थना करूंगा, इतना करने के बाद मैं इसके लिए इतना किया था, क्या करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं ना। मेरे जीवन में अगर कोई कमी आ गई, भाई मेरे मुंह से क्या क्या शब्द, इसके लिए इतना मेहनत, प्रभु मुझे तो नहीं लगता तुझे आंख भी खाई कि नहीं, किसे पूछते हैं, किसे पूछते हैं, परमेश्वर से क्या क्या सवाल नहीं करते। तो वचन क्या बोलता है, अभी क्या पढ़े, ये संत लोग परमेश्वर से उन शब्द, पानी नहीं रहेगा तो भी, उसको मालूम है पानी नहीं रहेगा तो भी मरने नहीं देगा। इसराइलियों को खाना खिलाने से पहले कुछ दिन उन लोगों को क्या डाला था, पढ़ा है वचन आपने, भूखा डाला था परमेश्वर ने, क्या किया था, उसका बाद क्या शुरू किया, मन्ना। आपको समझ में आ रहा विषय, आप ये नहीं सोचना आप तुरंत टेबल में बैठ गया तुरंत आ जाएगा, कई बार खाली प्लेट भी क्या करना पड़ेगा, देखता है परमेश्वर इसराइल के बारे में, देखता है कि ये लोग मेरी विधियों को पालन करते हैं या नहीं, करके उनका खाना थोड़ा टाइम ढह करके रखा था। तो मेरे जीवन में ऐसे कितने मौके आए थे जिसमें मैंने रिजल्ट क्या दिया, रिजल्ट क्या दिया, सीधा बैठो, सुन रहा है, रिजल्ट क्या दिया, फेल हो गया, फेल हुआ नहीं हुआ, चेक कर रहा था प्रभु कि मेरा बेटा का मुंह से क्या निकलता है, आहा, हमने क्या क्या कर दिया, बोल दिया, क्यों, थोड़ा समय के लिए क्या नहीं मिला था, भोजन नहीं मिला था, पानी नहीं मिला था, या चाहत की चीज नहीं मिली थी। प्रभु से आज क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये जो चेकिंग का मौसम में मैंने ना गाड़ी आप क्या करने लेके गया, पासिंग के लिए, एक कलर नहीं मारा करके अगर फेल कर दिया क्या कैसा लगेगा, है ना, वो बुरा लगता है। परमेश्वर ने फेल किया नहीं किया उससे हमारा उसका रिजल्ट भी अपेक्षा नहीं करते, किसके, परमेश्वर की, हम रिजल्ट भी क्या नहीं करते, अपेक्षा
नहीं करते। तो यहाँ पर ये व्यक्ति लोग सब वचन को थामे हुए हर परिस्थितियों को क्या करते गए, सामना करते। लेकिन एक और व्यक्ति यहाँ पर हम देख सकते हैं, रूत पहला अध्याय 1-3, रूत पहला अध्याय 1-3। जिन दिनों में न्याय लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष यहूदा के बेतलहम नगर का एक पुरुष अपने स्त्री और अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। किधर चला गया? मोआब का देश, मोआब श्रापित भूमि, बेतलहम रोटी का घर में थोड़ा दिन क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो इन्होंने क्या सोचा, गुजारा के लिए किधर चले जाएंगे, मोआब चले जाएंगे। हाँ, उस पुरुष का नाम एलीमेलेक था और उसकी पत्नी का नाम नाओमी था और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। बेटों के नाम क्या है? महलोन किलियोन। इधर ध्यान दो, इधर। हाँ हाँ, मैं तो ये सोचता हूँ अभी इधर एक शोकेस बना, मैं सब बच्चों को आते इधर बिठा कर रखना, सब उसको देखते हैं, बैठो इधर देखो ना पहले, बाद में हम लोग देखेंगे। हाँ चलो। हाँ, महलोन किलियोन। हाँ, ये एप्राती थे। ये लोग कौन थे? एप्राती बोलेगा तो एप्राती बोलेगा तो ये सब किसको मालूम है? एप्राती लोग बोले तो कौन है? एप्राइम वंशी। कौन है? एप्राइम वंशी। हाँ, अर्थात हाँ, यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। ये यहूदा के बेतलहम में रहने वाले थे। हाँ, वे मोआब के देश में आकर वहाँ रह गए और नाओमी का पति हाँ, एलीमेलेक मर गया। बस रोटी का घर छोड़ा और किधर चला गया? मोआब चला गया। पति मर, बच्चे मर गए। लास्ट में नाओमी क्या बोलती है, मुझे अब क्या बोलकर मत बुलाओ, क्या बुलाओ, मारा। मारा का मतलब कड़वाहट। ये भी जिंदगी जिया, एलिया भी जिंदगी जिया। एलिया का जिंदगी वो तो जिंदा क्या कर लिया गया, उठा लिया गया। लेकिन ये नाओमी का हालत क्या है, बाद में इसका लाइफ क्या हो गया, कड़वाहट हो गया। इसका वजह क्या है? एलिया वचन का इंतजार करके उसके अनुसार अपना जीवन को मोड़ लेता था। अगर प्रभु ने बोला आज खाना नहीं, तो अपना पेट को समझा देता था कि आज बेटा शांत रहना। मतलब परिस्थिति के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को क्या कर लेता था, मोड़ लेता था, बना लेता था। लेकिन ये नौमी का जीवन से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, इन्होंने परिस्थिति के अनुसार अपना जीवन क्या कर लिया, बना लिया। अगर ऐसा परिस्थिति है तो हम अपने परिस्थिति को ऐसे बदल लेंगे। इनको वचन से कोई लेन देन नहीं है। तो आज हम लोग को चेक करके देखना है, मेरा जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं मोड़ कर चला रहा हूं या परिस्थिति जैसा हो रहा है उसके हिसाब से मैं क्या करते जा रहा हूं, बदलते जा रहा हूं। क्योंकि क्यों मुझे परमेश्वर के शब्द के लिए इंतजार करना है, क्योंकि इसका वचन कब तक रहेगा, युगान युग रहेगा। ये युगान युग रहने वाला वचन, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन कभी बदलता नहीं, कभी खत्म नहीं होता है। तो ये वचन का हमको क्या करना है, इंतजार करना है। हमारे जीवन में सबका परिस्थिति अलग अलग है, सबके जीवन में समस्याएं अलग अलग आएगी। क्या मेरे समस्या के हिसाब का उत्तर मुझे वचन में मिलेगा या नहीं? मैं बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं, मेरा जो समस्या है ये बिल्कुल अलग है,
इसका बोलने का मतलब क्या है? मेरे समस्या का जवाब वचन में नहीं है। हम ऐसा अगर बोलते हैं, हम एक विश्वासी अगर ये शब्द को अपने मुंह से कबूल करता है कि मेरी परिस्थिति तो भिन्न है, ऐसा अगर बोलता है तो वो क्या समझाना चाहता है सामने वाले को? हम जो 66 किताब पढ़ते हैं ना, इसमें इस समस्या का क्या नहीं है? इतना आपको समझ में है? अभी ऐसा शब्द आएगा हमारे मुंह से, वचन के अंदर मेरे सब बातों के लिए क्या है? हल है, आंसर है, मेरे सब क्वेश्चन का आंसर है, मेरे सब परिस्थितियों का जवाब उसमें क्या है? है। इसलिए परमेश्वर ने कितने ही किताब दिया? 66 किताब देते समय में, पुराना नियम देते समय क्या बोला था? देखो पढ़िए व्यवस्था विवरण 4:2, व्यवस्था विवरण 4:2। जो आज्ञा मैं आज तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना, इसमें अभी क्या नहीं करना, ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ना कुछ घटाना। बस क्या लिखा है? परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है, परमेश्वर क्या बोल रहा है बच्चों? इन व्यवस्थाओं में से कुछ भी क्या नहीं करना, बढ़ाना नहीं। इसका मतलब मैंने कुछ नियम दिया रहेगा तो तुम कुछ नया नियम इसमें ऐड मत करो। आपको मालूम होगा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या नाम है उसको, संविधान, संविधान में समय समय पर उसमें क्या लाते हैं? चेंजेस लाते, बदलाव लाते, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड करते। क्यों ऐड करते हैं? कि जब संविधान लिखी गई थी उस समय में ये वातावरण नहीं था, तो अभी के वातावरण के हिसाब से मुझे ये पॉइंट भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर व्यवस्था देते समय क्या बोला बेटा? ऐड मत करना, माइनस। इसका मतलब क्या है? मतलब मुझे इस व्यवस्था में जो दिया गया है ये सब मेरे क्वेश्चन का आंसर इसमें है, इसमें अभी बढ़ाने की जरूरत, घटाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? क्यों नहीं बढ़ाने का, क्यों नहीं घटाने का? मेरे सब सवालों का जवाब उसमें है, इसलिए परमेश्वर ने साफ साफ बोल दिया क्या नहीं करना, बढ़ाना नहीं, घटाना नहीं। अच्छा, अब ये पुराने नियम के समय पूरा बाइबल 66 किताब देने के बाद क्या बोल रहे हैं? प्रकाशित वाक्य 22:18-19 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 22:18-19। मैं हरेक को जो सुनता है गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, यदि कोई भी मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी गई है, इस पुस्तक में जितने प्रकार की विपत्ति लिखी गई है उस पर क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसका मतलब पहले बोल दिया बढ़ा मत, फिर भी कुछ लोग बोलते हैं नहीं थोड़ा इसमें क्या लाना पड़ेगा, चेंजेस रखना पड़ेगा, क्योंकि मौसम ऐसा है, समय ऐसा है, बच्चे भी अभी आजकल के वो हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा। ऐसा अगर किसी ने बोला इसमें लिखी हुई सारी विपत्ति उस पर क्या करूंगा, अभी कैसे चलना बच्चों के अनुसार, वातावरण के अनुसार नहीं चल। कि नवमी के घर वाले कोशिश किए थे थोड़ा अपना क्या डालने के, प्रभु बेतलेम में कभी कभी आता है, आपको मैं दुख देना नहीं चाहता, उसके थोड़ा दिन उधर रहकर क्या कर जाता हूं, आ जाता हूं। गया, बोला मोआब के ऊपर की जितने विपत्ति है सब किसके ऊपर गिरी, एक पुरुष उसके घर में जिंदा ने सबको क्या कर दिया। बात समझ में आ रहा है? नवमी का जीवन क्या बन गया, कड़वाहट से बन गया। बात आपको समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं बोला। इसलिए वचन पढ़ने वाले 66 किताब को हाथ में रखे हुए भाइयों बहनों, ध्यान से वचन को पढ़ो, उसमें बढ़ाने की कोशिश ना करो,
घटाने की कोशिश न